Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Floral Bio Canvas. This video will be the last lecture on environmental management chapter, and here we will be covering the last part that is remaining in this chapter. So, starting with the remaining part that we have to complete in today's lecture on my role in environment. Here we will be talking about what's my role in the environment, what all activities that I can do so that there would be no bad impact or bad effect on the environment. It would be not harming the environment in any ways. So, this way we will be conserving the environment. Now, here the first step that we are talking about is conservation. Now, whatever the resources are there, natural resources, be it water, fuel, light, we have to conserve these resources. whatever resources and natural resources hai, conserve karke. Rakna hai. The second thing that is my role in the environment is to control. मेरी तरफ़ से कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए एनवायरमेंट को ये कंट्रोल करना है जैसे अगर हम बात करें तो छोटे छोटे कचरे जो भी हम ऐप्स फेंक रहे हैं बाहर उसको नहीं फेंकना है हमारी तरफ से कोई कचरा नहीं फैलना चाहिए हमारी तरफ से एनवायरमेंट में कोई हार्म नहीं होना चाहिए सो दैट विल बी द कंट्रोल फ्रॉम माई एंड और इट कुड बी बाई चेंजिंग आवर माइंड सेट स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़ द थर्ड वन इज़ प्रोडक्शन इसमें अगर हम बात करें तो कोई एक्टिविटी हार्मफुल एक्टिविटी होने से वो जगह गंदी हो गई है वो चीज़ गंदी हो

वी शुड कंजर्व आवर एनवायरमेंट जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनको अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों को जागरूक करना द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन हियर वी विल बी प्रिवेंटिंग द पॉसिबल हार्म्स मेरी तरफ से बेसिकली इसमें भी मेरी तरफ से जो हार्म हो रहा है हमारी तरफ से जो हार्म हो रहा है उसे हमें प्रिवेंट करना है प्रोहिबिट करना है बाई डिजाइनिंग न्यू प्लान फैक्टर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड बाई प्रिवेंटिंग द फैक्टर्स दैट आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट नाउ द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज प्रिजर्वेशन हियर प्रिजर्विंग द वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट चीज़ें बची हैं उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है और ऐसे रेमेडीज़ लाने हैं कि फर्दर लॉस ना हो प्रिजर्विंग अननोन रीजंस जो भी अननोन रीजंस है हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है उसको हमें प्रिजर्व करना है so this way we discussed about preservation and these are my role in the environment these are the points that we have to cover under my role in environment that is by conservation control production awareness prevention and preservation now here in this paragraph we will be talking about hotspot of biodiversity so when i talk about hotspot of biodiversity as we all know key biodiversity means the variations that we see or the varieties of living organisms basically we have talked in upper paragraph it is the richness of living species or living plant species or animal species ठीक है तो इस हिसाब से अभी hotspot ऐसी जगह होती है ऐसे regions होते हैं जहाँ पे diversity बहुत ज़्यादा है but जितना diversity ज़्यादा है उतना ही इन species को खतरा भी है so these are the sensitive regions or sensitive zones where the diversity is more and they are threatened also now here we will be seeing 34 highly sensitive biodiversity hotspots. but recent ki baat kare to pe 36 hai so 36 sensitive biodiversity spots are reported all over the world and ye occupy karta tha area 15.7% of the earth it used to occupy 15.7% area of the earth which was altogether 86% अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये बस बच के रह गया है 2.3 परसेंट एरिया ऑफ द अर्थ जो कि बचा हुआ है पहले 15.7 परसेंट था अभी 2.3 परसेंट सो वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड जो भी नेचुरल फैक्टर मैन मेड फैक्टर्स है इसकी वजह से ये हॉटस्पॉट रीजंस में रिडक्शन होकर ये 2.3 परसेंट ही कवर कर रहा है अभी

थाउजेंड एंडेमिक प्लांट स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट नाउ हेयर न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज एंडेमिक. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड मतलब ये होता है कि जो प्लांट स्पीशीज केवल उस रेस्ट्रिक्टेड या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे ही पाया जा रहा है और कहीं नहीं सो दिस इज टर्म्ड एस एंडेमिक सो दिस प्लाट स्पीशीज विच इज एंडिक फाउंड इन वेस्टर्न घाट और कहीं नहीं पाया जाएगा ठीक है फिर हम आगे बढ़ते तो आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड फिफ्टी थाउजेंड आर एंडेमिक सो इसमें से भी अगर हम देखें तो फिफ्टी थाउजेंड्स आर एंडेमिक स्पीशीज जो कि केवल उसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं सो वी कैन जस्ट इमेजिन द डाइवर्सिटी एमोंग द प्लांट स्पीशीज फ्रॉम दिस बॉक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट थ्री एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री तो यहाँ पे पहला दिया गया है दैट इज वेस्टर्न घाट जो कि स्प्रेड हुआ है ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु एंड केरला एंड इट हैज़ बीन एंडेंजर्ड ये एंडेंजर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्रीज है विच इज़ फॉर द सर्च ऑफ नेचुरल गैस अगर हम यहाँ पर देखें तो हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लैंड एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ दीज रीजनस आर अंडर थ्रेड तो जो वेस्टर्न घाट के ये प्रजाति हैं एशियाटिक लैंड एंड वाइल्ड बाइसिन माइनिंग इंडस्ट्रीज की वजह से दे आर अंडर थ्रेड द नेक्स्ट एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस दैट वी हैव टू स्टडी इज मानस सेंचुरी इट इज़ ऑफ आसाम एंड इट इज़ अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिसक्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर तो यहाँ पे जो डैम है उसकी वजह से अगर उसमें पानी भर गया तो उसको खोल देते हैं तो एरिया पूरा फ्लडेड हो जाता है जिसकी वजह से जो यहाँ पे टाइगर एंड राइनो की स्पीशीज है दे आर अंडर नेक्स्ट थिंग दैट वी हैबाउट सुंदरबन सेंचुरी बंगाल सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर्स यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं यहाँ पे जो टाइगर की स्पीशीज है उनको खतरा है बिकॉज ऑफ डैम्स डिफॉरेस्टेशन एक्सेसिव फिशिंग एक्सेट्रा सो दीज आर द रीजन्स देर फोर् दीज आर कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज जो भी थ्रेटेड स्पीशीज हैं उनका क्लासिफिकेशन हुआ है एंड उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस किया है जिसके हिसाब से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे अगर हमको उनके डेटा इंफॉर्मेशन मिली तो हम समझ पाएंगे कि इनको कितना खतरा है एंड हम उसको ईजिली कंजर्व कर सकते हैं बचा सकते हैं एक्सटिंक्ट होने से दीज आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू कंजर्व देम वेन वी कम अक्रॉस विथ क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज इनका क्लासिफिकेशन हुआ है जैसे हम पढ़ेंगे इंडेंजर स्पीशीज में रेयर स्पीशीज में वलनरेबल स्पीशीज में एंड इनडिटर्मिनेट स्पीशीज में सो वी विल बी स्टार्टिंग विद इंडेंजर स्पीशीज इंडेंजर स्पीशीज ऐसे हैं कि इनकी नंबर बहुत कम हो चुके हैं ये स्पीशीज के नंबर बहुत कम हो चुके हैं इनको खतरा बहुत है और अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे मतलब खत्म हो जाएंगे तो इनके ऊपर बहुत ध्यान रखना है बहुत ध्यान देना है ठीक है सो देअर फॉर दे आर कमिंग अंडर एंडेंजर्ड स्पीशीज और अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो इट इज लॉयन टेल मंकी एंड फ्लोरिकेन नाउ मूविंग विद द सेकेंड वन दैट इज रेयर स्पीशीज रेयर स्पीशीज की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स के नंबर बहुत कम हो चुके हैं इनके जो हैबिटेट हैं वो भी डिक्लाइन हो गए हैं मतलब श्रिंक हो गए हैं जो हैबिटेट जहाँ पे ये रहते हैं एक्चुअली वो जगह कम पड़ जाती है छोटी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ सो देयरफॉर वी विल बी सीइंग इन द फर्स्ट इंडेंजर्स स्पीशीज़ के हैबिटेट इज़ श्रंक दैट इज रीजन एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्पीशीज की उनका नंबर क्यों कम हो रहा है और उनका जो हैबिटेट है वो कम होते जा रहा है ठीक है नाउ द डिफॉर कुड बी ऑल्सो द रीजन देर आर डिफरेंट रीजन वी कैन मैं ये क्यों डिफरेंट कैटेगरी में प्लेसड ऑन हो रहा है तो रेयर स्पीशीज की बात करें तो इनकी भी स्पीशीज की नंबर कम है ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं बट इनमें और एंडेंजर स्पीशीज में बस फर्क इतना है कि ये एंडेमिक स्पीशीज हैं जो रेयर स्पीशीज हैं ये एंडेमिक है एंडेमिक मतलब ये पर्टिकुलर पे ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाएंगे सो दे आर देआर एंडेमिक वेर वेन आई टॉक अबाउट एंडेंजर स्पीशीज तो ये स्पीशीज कहीं पे भी पाए जा सकते हैं तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहीं पे भी पाए जा सकते हैं और इनको भी खतरा है ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इसीलिए हमको बचाना है सेम गोज़ फॉर रेयर स्पीशीज़ दी स्पीशीज़ आर एंडेमिक की पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन या फिर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते इनको खतरा है इन स्पीशीज़ की नंबर कम हो रही है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ रेयर स्पीशीज़ आर रेड पैंडा एंड मस्क डियर नाउ द थर्ड कैटेगरी दैट वी हैव टू डिस्कस इज वल्नरेबल स्पीशीज़ तो वल्नरेबल स्पीशीज़ इनका भी नंबर बहुत कम हो चुका है और ये डिक्लाइन के फेज पे हैं बट इसमें डिफरेंस ये है कि वलनरेबल एक ऐसा स्टेज है कि अगर हम इनको ध्यान दे दें तो ये बचे रहेंगे वरना दीज वल्नरेबल स्पीशीज़ विल बी एंटरिंग इनटू टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में और फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत वक्त समय है कि हम इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के इनको बचा सके ईजी सो दीज़ आर वलनरेबल स्पीशीज़ एग्जाम्पल इज़ ऑफ़ टाइगर एंड लॉय अगर हम इनका पहले से ही ध्यान दे दें पहले से ही बचा लें इनको तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में एंटर नहीं करेंगे द लास्ट कैटेगरी दैट वी हैव टू डिस्कस इज इनडिटरमिनेट स्पीशीज एज द नेम सजेस्ट कि इनडिटरमिनेट स्पीशीज इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इनका नंबर और डेटा ईजिली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियरल हैबिट्स तो इनके बिहेवियरल हैबिट्स में क्या है शाइनेस इसकी वजह से इनका जो एक्यूरेट डेटा है वो ईजिली अवेलेबल नहीं रहता या फिर मिल नहीं पाता हेन्सफॉर्थ दे के नॉट बी ईजिली डिटरमाइंड एग्जाम्पल इज ऑफ जयंस राइट सो दीज आर द्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेन स्पीशीज कैसे कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं और कैसे हम उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे तो वह एक्सटेंट होने से बच सकते हैं ऑल राइट सो दीज आर दिंग्स दैट यू हैव टू मैं इन एग्जाम एंड

एंड as वी हैव talked अबाउट IUCN that is International दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो ये एक रेड लिस्ट प्रोवाइड करती है जिसमें बहुत सारे इंडेंजर्स स्पीशीज़ जो हैं डिफरेंट कंट्री से उनका नाम रहता है तो इसीलिए हम स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं या फिर हम कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं ये सब देख सकते हैं बिकॉज they contain डिफरेंट कैटेगरी की ये स्पीशीज़ को इतना थ्रेट है ये स्पीशीज इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो हम उसको उस हिसाब से कंजर्व कर सकते हैं उन स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर